कोविड महामारी के कारण बीते 1.5 साल से बंद पड़ी महाराजगंज के भारत नेपाल की सोनोली सीमा को आज से खोल दिया गया है। 23 मार्च 2020 से भारत में हुए लॉकडाउन के बाद से भारत नेपाल सीमा पर दोनों तरफ से पब्लिक मूवमेंट पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। वहीं सीमा के खुल जाने से दोनों देशों के पर्यटक, व्यवसायियों, व्यापारियों सहित आम लोगों में भारी खुशी देखने को मिल रही है। दोनों देशों के स्थानीय नागरिकों ने सीमा खुलने के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। भारत नेपाल सीमा खोलने के साथ ही भारी संख्या में भारतीय पर्यटक अपने वाहनों से नेपाल को रवाना हो रहे हैं। वहीं सीमा के खुलने से सुरक्षा को लेकर भी बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां काफी चौकन्नी हो गई हैं। सीमा से गुजरने वाले वाहनों एवं आम लोगों की सघन तलाशी ली जा रही है। सोनोली सीमा पर पहुंची डीबी भारती समाचार की टीम ने नेपाल एवं भारत के पर्यटक, व्यवसायियों, व्यापारियों, पर्यटकों सहित आम लोगों से बॉर्डर खोल दिए जाने को लेकर बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि बॉर्डर खुलने से दोनों देशों का पर्यटक व्यवसाय, जो बीते 1.5 साल से बंद पड़ा था, फिर से शुरू हो रहा है। सर, बात जो बॉर्डर बंद था, ये बंद होने के कारण कोविड की वजह से जो बॉर्डर 1.5 साल से बंद किया गया था, इससे पर्यटन व्यवसाय और व्यवसाय में बहुत ज़्यादा निराशा भी था, कब खुलेगा नहीं खुलेगा। इस वजह से सारे पर्यटन व्यवसाय में भी पूरा एकदम स्थिति खराब थी, और वो व्यापार भी छोड़ करके भी उन लोग चाह रहे थे अब क्या करें ना करें। और इस तरह से इंडिया साइड में भी हम लोग सारे व्यापारी चरमरा भी गए थे, और उससे एक हिसाब से खुलने से बहुत पर्यटन व्यवसाय में और आपका व्यवसाय में भी अच्छा ही लाभ मिलेगा। और दोनों देश का जो संबंध भी लग रहा था कि बिगड़ने की स्थिति भी था नेपाल भारत का, और इससे खुलने से दोनों देश का संबंध भी, रोटी बेटी का जो भारत नेपाल का संबंध है, इससे प्रगाढ़ भी होगा और सुंदर भी होगा। धन्यवाद। बंद थी कोरोना के कारण, अभी खुल गई है, क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है सनोली बॉर्डर पे, और पिछले 18 महीनों से जो ये बॉर्डर बंद था, इसके कारण से हम लोग का जो टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस था वो पूरी तरह से एकदम ठप बैठा हुआ था। बाहर के टूरिस्ट लोगों को नेपाल में जाने की परमिशन नहीं थी। अब जो कि ये बॉर्डर पूरी तरह से खुल चुका हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हम लोगों को कि हम लोग का बिजनेस फिर से रन करेगा और सभी यात्री नेपाल में जा सकते हैं। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।